हम लोग देख रहे हैं ट्रिक और चीट कोड की फिजिक्स के एमसीक्यूज को चीट कोड से कैसे सॉल्व कर लिया जाए। कुछ ऐसे एमसीक्यू आएंगे जो थोड़ा चकमा देंगे, पर उसको हम लोग अपने नॉर्मल माइंड से कैसे सॉल्व कर ले, हमें फिजिक्स नहीं भी आती हो तो उसकी ऐसा एमसीक्यूज एक है। मैं बहुत से एमसीक्यूज की अब ट्रिक और चीट कोड बताऊंगा आपको। तो ऐसा एक एमसीक्यूज है जो कि कह रहा है कि प्रीति नाम की कोई लड़की है, वो किसी एक्सेलेरेटर से, एक्सेलेरेटर क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाना होता है अपने को एक्सेलेरेटर से, अपने आप चलती हुई सीढ़ियाँ होती हैं और शॉपिंग मॉल वगैरह में लगती हैं, और वो क्या करती है जब अपने आप ऊपर छोड़ देती है आदमी को, आदमी यहाँ खड़ा होता है और खड़ा होता है। तो कह रही जब एक्सेलेरेटर चलता है, चलता नहीं है, एक दिन ये बंद पड़ा है, तो प्रीति उसको ऊपर जाने में उसको टाइम लगता है T1, मतलब जब चलता नहीं है, प्रीति चलती है तो टाइम लगता है T1। आगे कहता है जब एक्सेलेरेटर चलता है तो उसको T2 टाइम लगता है ऊपर जाने में। एक्सेलेरेटर सपोज करो प्रीति यहाँ खड़ी हो गई और एक्सेलेरेटर ने अपने आप ऊपर ले जाके इसको छोड़ दिया, तो टाइम कितना लगा, T2 लगा। जब एक दिन ऐसा होता है कि प्रीति भी चल रही होती है और एक्सेलेरेटर भी चल रहा होता है, प्रीति और एक्सेलेरेटर दोनों चल रहे होते हैं, तो टाइम कितना लगेगा, टी वो अपने को निकालना था और ये इतने सारे ऑप्शन दिए थे। ओके, अब होगा क्या, सपोज करो इसको डेली लाइफ से जोड़ के देखो, अगर कोई सपोज करो प्रीति चल रही थी तो उसको पैदल चलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सपोज करते 10 मिनट लगते, जब एक्सेलेरेटर चलता है तो उसको 5 मिनट लगते हैं, आधे टाइम में वो कवर कर लेता है। जब दोनों चलेंगे तो और कम टाइम में पहुंच जाएगी, और कम टाइम में पहुंचेगी ना, मतलब वो 5 से भी कम होगा आंसर। आंसर क्या आना चाहिए, 5 से भी कम आना चाहिए। सब बात आई ना समझ में, कि जब पैदल जाएगी तो 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं 10 मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान लो, क्योंकि 10 और 5 की कैलकुलेशन ईजी होती है बस। और एक्सेलेरेटर है तो थोड़ा जल्दी छोड़ देगा उसको, तो 5 मिनट लगे। अब ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन है आंसर जो आएगा वो आना चाहिए 5 से भी कम, T1 T2 upon T1 plus T2, T1 और T2 की वैल्यू रख के देखो, 5 × 10 upon 5 + 10, ठीक है, क्या हो गया 50/15, 15 × 3 = 45, कितने बज गए, 5 × 15 = 45, 3.3 सेकेंड आ रहा है आंसर, आ रहा है 5 से कम। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या है, T1 - T2, यानी कि 10 - 5 = 5, ये तो रॉन्ग हो गया, क्या एक्सेलेरेटर चलेगा तब भी इतने में ही छोड़ेगा, नहीं इतने में नहीं छोड़ेगा। और सेकेंड कह रहा है थर्ड कह रहा है T1 T2/2, तो ये होगा 15/2, यानी कि 7.5, ज़्यादा टाइम लगेगा क्या उसको, नहीं लगेगा ज़्यादा। फोर्थ कह रहा है T1 T2 upon T1 - T2, यानी कि 5 × 10 upon 10 - 5, कितने हो गए, 50/5, यानी कि 5 मिनट। तो ये तो कॉमन सेंस की बात होती ना, कि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा जब एक्सेलेरेटर चलता है, दोनों चलेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, तो आंसर क्या होगा जिसमें बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। ऐसे भी इस टाइप के एमसीक्यू को अगर नहीं आ रहे हो ना, तो ये लास्ट हथियार होता है आपको पास में एमसीक्यू निकालने का, लास्ट एंड फाइनल आंसर होता है। एक और एमसीक्यू है नीट 2017 का, उसको भी मैं ऐसे निकालने की कोशिश करूंगा। ये कह रहा है दो कोई मेटल की स्ट्रिप है, मेटल की स्ट्रिप है, ये मेटल ए अलग मेटल है कि इसका कंडक्टिविटी K1 है, और एक दूसरी मेटल बी है जिसकी कंडक्टिविटी K2 है, इन दोनों को पैरेलल अरेंज किया गया है, और इस साइड से हीट मिलेंगे तो इस साइड जाएंगी, तो इनकी इक्विवेलेंट क्या होगी, समझ गए ना, इक्विवेलेंट पूछ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी का एमसीक्यू। मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये अलग अलग मेटल है ही नहीं, एक ही मेटल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इसका भी के हो जाएगा, ये पूरी मेटल एक ही है, जब मेटल एक होती है तो उसकी कंडक्टिविटी भी एक ही होती है, तो इसका आंसर भी के ही आना चाहिए। ऑप्शन में रख के देखो, K1 को K मानो, K2 को भी K मानो, और आंसर भी K आना चाहिए, K तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, K + K 2K आ रहा है, नहीं हो सकता। सेकंड क्या कह रहा है, 2K + K, ये हो गया 2K और 2 × 4 = 4K, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड देखो, K1 K2 upon 2, यानी कि K + K upon 2, यानी कि 2K upon 2, यानी कि K, ये आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे हैं ना आपके, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। आप अगर अब आप सपोज करो तुक्का भी मारने की कोशिश करते हो, तो दो ऑप्शन में आपने 50% तो कम कर दी। अब थर्ड ऑप्शन है 3K1 K2 upon 2, 3K1 K2 upon 2, इन दोनों को K रखो तो क्या हो जाएगा, 3 into
के प्लस के अपॉन टू, ये हो जाएगा टू के, थ्री इंटू टू के अपॉन टू, ये आ गया थ्री के। तो आंसर क्या गया अपना, जिसमें के आ रहा था, समझ में आई ना बात। हम लोगों ने मेटल ही एक ही मान ली कि मेटल हमारी एक ही है। जब आपकी मेटल एक है मान लिया, सपोज करो, तो आंसर आएगा फिजिक्स में लो लगेंगे वो कॉमन वाले, फिजिक्स में लो लगेंगे। फॉर्मूला ये होता है के वन ए वन प्लस के टू ए टू अपॉन के ए वन प्लस ए टू। अगर नहीं आ रहा है बाई चांस, अगर आप भूल भी गए तो ऐसे निकालने की किसी न किसी एमसीक्यू को ट्राई करो, हार मत मानो। ये लास्ट हथियार होता है, मैं कहता हूँ मेथड को छोड़ के इन पे ट्रिक पे मत जाना। श्योर कहता हूँ मैं, मेथड को छोड़ के ट्रिक पे मत जाना। अगर मेथड आ रहा तो मेथड से ही करना, बट अगर आपको एमसीक्यू आ ही नहीं रहा है, फंसा हुआ है, तो अपना कोशिश तो करो टाइम में, तो उसको ऐसे कोशिश करना है। मतलब ये लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर कोशिश कैसे करें, वो है, वो मेथड है, ये लास्ट हथियार मेथड है ये।